दोस्तों अब हम जाएंगे ट्रेन दोस्तों अब हम जाएंगे टर्मिनल 1 के ट्रेन स्टेशन से फ्रैंकफर्ट मेन ट्रेन स्टेशन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छा है ये ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और यहाँ पे ऑफिस भी जो है इंफॉर्मेशन ऑफिस वो तकरीबन 8 बजे तक खुला रहता है, तो आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है वो टिकट्स वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, तो मतलब आप पे कीजिए और टिकट ख़रीद लीजिए, तो कोई उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब हम चलते हैं फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो ये कि जब आप ट्रेन स्टेशन पे हों फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के, तो आपको बहुत और आप जो है वो किसी भी जगह के लिए ट्रेन ले रहे हो दूसरे सिटी या आउटसाइड ऑफ जर्मनी का, तो आपको जो है ना इंफॉर्मेशन डेस्क से जो है वो पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो किस्म के जो है ना वो होते हैं टिकट्स होते हैं, एक जो होते हैं वो इनर रीजन के लिए होते हैं सबर्ब्स जो है फ्रैंकफर्ट के वो, और एक आउटर रीजन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बर्लिन हो गया या म्यूनिख हो गया उसके लिए। तो आप बेहतर ये कि पहले से मेक श्योर कर लें इन चीज़ों के बारे में, वरना आपको बहुत मसला हो सकता है, क्योंकि जो है वो इनर रीजन के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो नीचे है और वो जो आउटर रीजन के लिए वो ऊपर है प्लेटफॉर्म। तो बेहतर ये है कि आप सही से मालूम करें, लेकिन फ्रैंकफर्ट मेन स्टेशन के लिए आउटर रीजन वाली ट्रेनें भी जाती हैं, तो इस वजह से आप जब भी टिकट खरीदें तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें और उससे प्रिंट आउट करवाएं ना, वो आपका टाइम टेबल जो है उसको बोलें कि जो है ना सारे प्लेटफॉर्म नंबर्स भी जो है ना वो उस करके दे दे, वरना आपको बहुत परेशानी हो सकती है कि इट्स ए ह्यूज स्टेशन जो है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का स्टेशन है, तो बेहतर ये होगा कि आप ये ज़रूर कर लें। फ्रैंकफर्ट मेन जो है रेलवे स्टेशन है और यहाँ ये बनिस्बत एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन काफ़ी इजी है, और यहाँ पे आपको एक लाइन से प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे सारे जैसे, और ज़्यादा इजी है यहाँ पे ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ पे आप किसी जगह के लिए ट्रेन ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से भी।
ये भी जो है यहाँ से भी जर्मनी के सारे शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं।